Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. आप लोगों से बात चल रही है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिकल इश्यूज. स्टैटिस्टिकल इश्यूज में हम लोग आपसे बात कर चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड पर बात हो गई, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें मैंने आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन डिस्कस कर लिया. रेंज भी है, रेंज पर आसान है. रेंज का क्या होता है, मतलब कि सबसे बड़े अंक से सबसे छोटा अंक हटा दीजिए, वो आपकी रेंज हो जाएगी. फिर उसके बाद आपसे डिस्कस मैंने कर लिया, यस, इतनी चीजें डिस्कस किए. अब एक एक और पॉइंट रह गया है, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स. ये डिस्कस हो जाए तो बीए और बीएड लेवल पे जो स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछी जाती है वो सब कुछ कवर हो जाएगा. तो परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक जान लेते हैं. ये आता है मेजर्स ऑफ पोजीशन के तहत. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हो गया, और अब मेजर्स ऑफ पोजीशन. तो मतलब कि यहाँ पे हमको ये जानना है, स्थिति स्थिति सही सही जानी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल के द्वारा. तो जानते हैं, वो कह रहे हैं कि अंटिल वी नो द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्कोर इन एनी ग्रुप, दैट स्कोर रिमेन मीनिंगलेस फॉर अस. वो कह रहे हैं जब तक कि हमको किसी पर्टिकुलर स्कोर की पोजीशन ग्रुप में ना पता चल रहे, तब तक वो अर्थहीन होता है हमारे लिए. जैसे कि हमको पता चले सिर्फ इतना कि इफ राजेश गॉट 85 मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ 100, यानी कि राजेश को 100 में से 85 नंबर मिले, तो आप इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे. The score informs us about the achievement of Rajesh, but if we want to judge the ability of Rajesh in physics, then we need to know his relative position in the group. क्या कह रहे हैं कि हमको ये बस पता चला कि फिजिक्स में 85 मार्क्स राजेश को मिले, तो इससे आप उसकी रिलेटिव पोजीशन कैसे पता कर पाएंगे कि बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, क्या उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया या उसने सबसे खराब परफॉर्म किया या उसने एवरेज परफॉर्म किया. तो ये जानने के लिए हमको उसकी रिलेटिव पोजीशन जाननी पड़ेगी. मे बी आफ्टर सिक्योरिंग 85 मार्क्स ही ऑब्टेन लास्ट पोजीशन इन ग्रुप. ये भी हो सकता है कि उसको 85 मार्क्स तो मिले लेकिन उसको ग्रुप में सबसे कम मार्क्स मिले हो, सबको 90 से लेकर 100 के बीच में मिले हो, है ना. ये भी हो सकता है ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप माइट हैव सिक्योर्ड मोर देन 85 मार्क्स और एल्स. या ये हो सकता है कि राजेश माइट बी स्टैंडिंग इन द मिडिल और मे बी एट द टॉप पोजीशन, या तो वो बीच में परफॉर्म कर रहा हो या सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो. तो यानी कि सिर्फ 85 मार्क्स से हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा है. Therefore, to know the ability of Rajesh with respect to his class, it is necessary to know that among all scores, what is the position of 85. इसका मतलब कि अगर हमको राजेश की एबिलिटी जाननी है उसके क्लास के संदर्भ में, कि उसने अपनी क्लास के संदर्भ में उसके रेस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि 85 की पोजीशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 85 मार्क्स इज 20%. वो कह रहा है कि मान लीजिए ऐसा हो कि क्लास में 20% बच्चे ऐसे हों जिन्होंने 85 मार्क्स से कम स्कोर किया हो, तो इसका मतलब है कि राजेश इज वन अमंग दी बिलो 20% अचीवर्स. तो इसका मतलब राजेश उन 20% अचीवर्स के बिलो है. दी दो स्कोर्स व्हिच पजेस स्पेसिफिक पोजीशन इन द ग्रुप आर नोन एज मेजर्स ऑफ पोजीशन. यानी कि अब हमको जब ये 20% वाली बात पता चली तब हम ये बता सकते हैं कि इस स्थिति यानी कि 85 मार्क्स की पोजीशन क्या है. इसलिए ही मेजर्स ऑफ पोजीशन कहलाता है. और इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, इसमें हमको पढ़ना होता है परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल एक्सेट्रा. लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनली जो बात की जाती है वो परसेंटाइल में ही होती है ना. डिसाइल यानी कि हर 10 में, क्वार्टाइल माने कि हर चतुर्थांश में. क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन की बात हो गई आपसे, परसेंटाइल रह गया था. तो बहुत सारे मेजर्स ऑफ पोजीशन है जिसमें से कि हम लोग इस वीडियो में परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक के बारे में बात करेंगे. इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव स्टडीड अबाउट मीडियन. हम लोग जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे तो हमने माध्यिका की बात की थी. माध्यिका क्या होती थी, माध्यिका वो होती थी जिसके ऊपर और नीचे बराबर बराबर अंक या आंकड़े रहते थे, है ना. वी से दैट मीडियन इज दैट पॉइंट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलो एंड अबव व्हिच 50% ऑफ द केसेस लाई, जिसके ऊपर और जिसके नीचे 50-50% केसेस हैं. सिमिलरली फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल दैट इज Q3 आर दोस पॉइंट्स बिलो व्हिच लाई 25% एंड 75% मेजर्स रेस्पेक्टिवली. उसी तरह से हमने जितना भी आंकड़ा है अगर उसको चार बराबर भागों में बांट दिया तो Q1 25% पे आएगा, Q2 50 पे आएगा, इसीलिए Q2 को मीडियन भी कहा जाता है, Q3 75 पे आएगा, एंड सो ऑन. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द पॉइंट्स बिलो विच एनी परसेंट ऑफ स्कोर. इसी तरह से हम किसी भी परसेंट पे निकाल सकते हैं, 10%, 15%, 35, 67, 85, 99, कहीं पे भी. तो ये जो परसेंटेज हैं इनको परसेंटाइल कहा जाता है, मतलब इन प्रतिशत के नीचे कितने स्कोर हैं, उनके ऊपर कितने स्कोर हैं. एंड वी मे रिप्रेजेंट द परसेंटाइल यूजिंग नोटेशंस. और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी, पी फॉर परसेंटाइल, और नीचे ये 10 लिखा है इसमें, तो इसका मतलब कि 10th percentile, 15th percentile, 35th, 35th percentile, इस तरीके से, ठीक है. ये जान लेते हैं परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक क्या है. कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं,
बहुत मतलब कॉमन कॉमन कोई एग्जाम हो तो उसमें परसेंटाइल की डेफिनेशन क्या है, kth, kth मतलब nth हो सकता है कोई भी अंक, kth परसेंटाइल ऑफ ए गिवन स्कोर इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज द पॉइंट ऑन द स्कोर स्केल बिलो विच k परसेंट ऑफ द स्कोर फॉल, मतलब समझे कि अगर 10th परसेंटाइल की बात हो रही है तो कह रहे हैं 10th परसेंटाइल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में वो पॉइंट है जिसके नीचे उतने प्रतिशत स्कोर रहते हैं, जैसे पी 10th है तो उसके नीचे 10% स्कोर है, पी 25th है तो पी 25th के नीचे 25% स्कोर है, सिंपल एज दैट। और परसेंटाइल रैंक क्या है, द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन ए स्कोर स्केल इज द परसेंटेज ऑफ मेजर्स इन द होल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच आर बिलो दैट गिवन पॉइंट्स, बहुत नॉमिनल परसेंट मतलब वही रैंक हम एक जैसे कह रहे हैं कि ये चौथी इसके नीचे 4% स्कोर है और वही उसकी रैंक क्या है तो उसकी 4 रैंक हो जाएगी, तो बहुत नॉमिनल सा अंतर है दोनों में, समझने वाली बात है बस। कह रहे हैं कि परसेंटाइल रैंक ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन ए स्कोर स्केल इज द परसेंटेज ऑफ मेजर्स, यानी कि परसेंटाइल रैंक का मतलब कि उतने प्रतिशत स्कोर उस डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे है, ठीक, बस बात को कहने का तरीका अलग अलग है, एक ही चीज कह रहा है दोनों। फिर परसेंटाइल हमको निकालने के लिए पूछा जाता है, इससे सवाल आते हैं, तो ये भी हमेशा की तरह अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए देख लें, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए कैसे निकाला जाएगा और वर्गीकृत आंकड़े के लिए। तो टू कैलकुलेट परसेंटाइल्स यानी कि मेजर ऑफ द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, क्या मतलब है परसेंटाइल का, कि उस जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी अंक है, जो भी आंकड़ा है, उसकी किसी भी आंकड़े में क्या रिलेटिव स्टैंडिंग है, यानी कि उसके ऊपर और नीचे कितने प्रतिशत स्कोर है, यही तो मतलब है परसेंटाइल का। अगर अनग्रुप डेटा के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारे आंकड़ों का है उसका क्रम बना लें, फिर फॉर द mth परसेंटाइल, मान लीजिए nth हो सकता है, kth हो सकता है, यहाँ m लिखा है, तो हमको क्या करना है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट, हमको गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट माने गुणनफल होता है, किसका किसका गुणनफल, m यानी जिस अंक के लिए, मान लीजिए 10 के लिए निकालना है तो m क्या हो जाएगा 10, n क्या है हमेशा की तरह टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको 100 से भाग दे दीजिए आपको परसेंटाइल पता चलेगा, सिंपल एज सिंपल एज दैट, अगर आप अनग्रुप डेटा के लिए निकाल रहे हैं तो। ये कह रहा है कि अगर हमने m into n upon 100 किया और ये एक पूर्णांक नहीं आया तो आप इसको पूर्णांक बना लीजिए, राउंड इट अप एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड वैल्यू, और हमको उसकी ऑर्डर्ड वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए ये पोजीशन बताएगा m into, अभी आप एग्जांपल में समझेंगे, और उसी तरह से अगर m into n upon 100 इज एन इंटीजर, अगर ये एक पूर्णांक आ रहा है देन कैलकुलेट द मीन ऑफ द kth एंड k plus 1th ऑर्डर्ड ऑब्जर्वेशंस, यानी कि उसी तरह से जैसे माध्यिका निकालते थे ना ऑड और इवन के लिए, अगर इवन है तो बीच वाला आ गया और सॉरी ऑड है तो बीच वाला आ गया और इवन है तो वो प्लस उसके एक और जोड़ के दो से भाग देके वो वाला आएगा। जैसे देखो ये है आपका एग्जांपल, इसकी हमको परसेंटाइल निकालनी, मान लीजिए फाइंड द 10th है 95th परसेंटाइल निकालना है इस स्कोर के लिए, इतना सारा स्कोर दे दिया है, तो पहले आप इस स्कोर को ऑर्डर में लगाइए 87 88 89 90 से लेके 112 तक, ठीक, और अंक कितने हैं 30 हैं, ये जोड़ा हुआ है पहले से, तो p10 is equal to क्या आएगा m into n upon 100, अच्छा यहाँ upon का साइन नहीं है, upon 100 यानी कि 10 into 30 upon 100 यानी कि 3, तो so the 10th percentile that is p10 is the third observation, यानी कि तीसरे नंबर पे जो है वो p10 है, जोड़ लीजिए 1 2 3 यानी 88, यानी कि p10 की वैल्यू क्या है 88, इसका मतलब क्या है कि 88 के नीचे 10% स्कोर, समझ में आएगा। उसी तरह से P95 is equal to हमारा क्या आएगा m into n upon 100, ये upon कहाँ चला गया, upon है ये बटा है, हाँ तो 95 into 30 आ गया 2850 और उसको आपने 100 से भाग दिया तो 28.5, अब ये इंटीजर नहीं है तो हम क्या लेंगे 29वां ऑब्जर्वेशन, इसको हमने क्या किया राउंड अप बना लिया, 28.5 को 29 कर लिया तो 29वां ऑब्जर्वेशन, देख लीजिए 30 है उससे जस्ट पहले वाला, तो P95 का क्या मतलब है 107, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि 107 के नीचे 95% स्कोर है या 107 के ऊपर 5% स्कोर है, समझ गए। इसी तरह से ग्रुप डेटा के लिए परसेंटाइल्स आर दी वैल्यूज व्हिच डिवाइड होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ये बात हो गई, दे आर 99 इन नंबर्स नेमली P1 P2 P3 P4 एंड P99, ऐसे होता है। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिसमें हमको वर्ग अंतराल नहीं दिया है, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, नहीं जिसमें वर्ग अंतराल दिया है डिस्क्रीट है ना, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फॉर्मूला फॉर ith परसेंटाइल, i मतलब जिस भी नंबर के लिए निकालना है ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस देखिए कितने सारे फॉर्मूले हो गए, आप जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार याद नहीं करेंगे तो आपको कोई फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं रहेगा। p इज इक्वल टू क्या है l, ये 1 नहीं लिखा है l है स्मॉल l प्लस हमको क्या करना है i क्या था वर्ग अंतराल था ना, नहीं होगा ith, अच्छा ith परसेंटाइल i के लिए निकालना है,
I into N. N क्या है? Total number of observations upon 100 minus capital F. Capital F क्या है? Cumulative frequency of the class previous to ith percentile class. जैसे निकालते नहीं थे, उसके पहले वाली संचयात्मक आवृत्ति. वो और F क्या है? उस वर्ग की आवृत्ति into H क्या है? वर्ग अंतराल. अच्छा, यहाँ वर्ग अंतराल के लिए H दिया. ठीक, तो P is equal to L plus I. I जिस अंक के लिए आपको निकालना है percentile, into N क्या है? Total number of observation, उसको 100 से भाग दीजिए, उसमें से घटा दीजिए क्या? संचयात्मक आवृत्ति उस वर्ग के पहले वाली, अपॉन भाग दे दीजिए किससे? जो उस वर्ग की आवृत्ति है, और उसको गुणा कर दीजिए वर्ग अंतराल से. देखिए, जैसे ये डेटा मिला है, वो फॉलोइंग टेबल हियर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 ऐसे करके दी हुई है. सबकी हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब हम सिर्फ एक निकालेंगे, उसी से आप बाकी समझ लीजिएगा. द मैक्सिमम वेट ऑफ लोअर 30% ऑफ द चिल्ड्रन हमको निकालना है. यानी कि 30% ऑफ द चिल्ड्रन जो लोअर, जैसे 100 में भाग दिया ना, बांट दिया, तो 30%, यानी उसके ऊपर कितने बचे? 70% बचे. तो वो कह रहा है कि 30% बच्चों का वेट बताइए. तो कैसे निकालेंगे? आप इस तरह से बना लीजिए, क्लास इंटरवल था, आपने क्लास बाउंड्री बना ली. ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा. आपको तो पता ही है कि लोअर लिमिट 70 की क्या होगी, 69.5, 60 की 59.5. इस तरह से एफ आई हमको ये दिया हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं किया. सी एफ, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है. जैसे ये दो ऊपर से चलेंगे, 5, 19, 5, 24, 24, 10, 34, 34, 13, 47, 47, 54, 51, 54, 55, 55, 57. तो इससे ये भी पता चल गया कि n इज इक्वल टू 57. ठीक, कोई इसमें कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है. अब आगे आ जाइए, हमको लोअर 30% ऑफ द चिल्ड्रन के लिए निकालना है. आई क्या होगा? 30. तो पी 30 इज इक्वल टू, या पी आई इज इक्वल टू आई इंटू एन अपॉन 100 वैल्यू था, तो पी 30 इज इक्वल टू 30, क्योंकि आई 30 है, 30 के लिए निकालना है, इंटू एन, संचयात्मक आवृत्ति 57 आई थी, अपॉन 100 करके निकालिए, तो 17.1 वाली वैल्यू जो होगी वो पी 30 होगी. अब देख लीजिए कि 17.1 वाली वैल्यू किसमें आएगी. ये तो देखिए 5 है और ये 24 है, इसका मतलब इसी में आएगी 17.1 वाली वैल्यू. यानी कि हमारा जो ये वर्ग हो गया, वो कौन सा वर्ग हो गया? 19.5 से 30.5 वाला. अब आइए, ये आ गया ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 17.24. तो ये हो गया आपका 30th परसेंटाइल क्लास. अब सबके मान ले लीजिए, एल इज इक्वल टू क्या है? 19.5. एन इज इक्वल टू 57 है. एफ है 19, उसी क्लास की आवृत्ति चाहिए. देखिए क्लास की आवृत्ति क्या है? 19 है ना, तो 19 ले लिया. और कैपिटल F आपने निकाल लिया है. कैपिटल F देखिए कितना है, कैपिटल F इस वर्ग के पहले वाला, तो कैपिटल F 5 आ जाएगा. और H बराबर 10 जो कि क्लास वेट है. बस लगा दीजिए फॉर्मूले में P इज इक्वल टू L प्लस, ये सब आपने फॉर्मूला रखा, तो आपका आ गया 25.868 पाउंड. ठीक है, तो द मैक्सिमम वेट ऑफ लोअर 30% ऑफ द चिल्ड्रन इज इतना आ गया. अब देखिए बचा हुआ सवाल भी इसी से हल हो जाएगा. क्या कह रहा था? मैक्सिमम वेट ऑफ अपर 30% भी पूछ रहा है मिनिमम वेट. तो अपर 30% का मतलब P इज इक्वल टू क्या होगा? 70. अपर 30% है ना, इसका मतलब उसके नीचे 70% है. तो P 70 की वैल्यू निकालनी है आपको. तो P 30 आपने निकाल ली, P 70 आपने निकाल ली, तो बचा हुआ क्या होगा? वो P 40 हो जाएगा. है ना, नीचे का 30% निकाल लिया यानी कि 60, ऊपर का 30% निकाल लिया यानी कि 60, तो बचा हुआ बीच का क्या है? 40%. लेकिन इसके लिए P 30 नहीं रखेंगे, P 70 रखेंगे. क्यों? क्योंकि अपर 30% की बात कर रहा है. ये नहीं कह रहा है कि 70वें पोजीशन पे बताइए, वो कह रहा है कि ऊपर से 30% लीजिए. यानी कि फॉर्मूले में तो हमने नीचे से लिया ना, तो ये P 70 की मान निकाल लीजिए, और जो दोनों का मान का अंतर होगा वो मिडिल 40% का हो जाएगा. समझ में आ रही बात? तो सबसे जरूरी है फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले में किस मान में क्या रखना है, आई क्या होता है, एन क्या होता है, कैपिटल एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है, एच क्या है, तब जाके सवाल का सही उत्तर आएगा. परसेंटाइल भी मैंने आपसे कवर कर लिया. तो बीएड और बीए लेवल पे जितना कुछ आपसे पूछा जाता है, आई हैव कवर्ड ऑल. अब एमए एमएड लेवल का फिर आगे. ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.